एक छोटी सी कहानी है कि हम जब जागते हैं तब सवेरा होता है, सूरज की लाली देखते हमारी चिड़िया में चचाहट होती है। हमारे देश के संविधान जो लिखे उन्होंने एक दायरा में बहुत कुछ हम लोगों को दिखाए हैं। भारत के देश में कहा गया है कि अगर देश में पीएम, सीएम और डीएम या तीन व्यक्ति सुधर जाए तो हमारे देश सुधर जाएंगे। हमारे श्रृंखला में यह देश, अगर हमारे देश में पार्लियामेंट की चुनाव होती है तो हमारे राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है। उसी तरह से हमारे पंचायत में एक सरपंच का चुनाव होता है तो एक मुखिया का चुनाव होता है। सरपंच साहब के बातों से उत्साहित होते हुए, मुखिया जी के बातों से उत्साहित होते हुए मुझे कुछ बोलने का अपना दिल गवारा दिया, इसलिए मैं यह बात बोल रहा हूँ। सरपंच साहब से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से खुला मंच बुला के आपने लोगों का शिकायत लिया है, उसी तरह आज के एप्लीकेशन, आज के आवेदन को गिनती करके उसके संख्या को देखिए कि हमारे माता बहनों, बुजुर्गों, अभिभावकों ने आपके पास कितना आवेदन दिया है। अगर उस आवेदन को पदाधिकारी के द्वारा उसका संशोधन नहीं किया जाता है तो इसी तरह से कुछ दिनों के बाद खुला मंच बुला के आप उनको कहिए, जनता को, कि आपने 200 आवेदन हमको दिया था, हमने 2 महीना में मुखिया और सरपंच मिलके 100 आवेदन हल किया और उस 100 आवेदन में कुछ ऐसा आवेदन है जो नहीं हल होने वाला है। ऐसा नहीं कि जो नहीं हल होने वाला है उस आवेदन को आप दाब दीजिए आप अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। इसलिए यह खुला मंच से मैं कहना चाहूंगा कि मुखिया जी ने कहा है कि इंदिरा आवास 2 वर्ष पहले पूर्व बंद हो गया। कहावत है छोटी सी कि प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं उठ के प्यासा के पास नहीं आता है। इसलिए हमारे माता बहनों और भावुकों को इच्छा हुआ कि मुझे चाहिए कि इंदिरा आवास चाहिए, तो मुखिया और सरपंच साहब के पास वह आवेदन आया है। वह आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाएगा, वह आवेदन जिला पदाधिकारी के पास जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री के पास जाएगा, प्रधानमंत्री के पास जाएगा। देना नहीं देना उनका काम है, आवेदन और विनती करना हमारे समाज का काम मुखिया और सरपंच साहब से, लड़ना आपका काम है। जो जनता वोट दिया वो भी आपका है, जो नहीं दिया वो भी आपका है, लड़ना उस सब के लिए आपका फर्ज बनता है। आप जिस समय मुखिया बने, सरपंच बने, आपका घर बिके, घरारी बिके, वह आप जानिए। विकास का पैसा कैसे लाइएगा वह आप जानिए। हमको रोड, सड़क और नाला, अस्पताल सुचारू रूप से चलना चाहिए, हमारी यह ख्वाहिश है। इसलिए मैं सरपंच साहब से बार बार अनुरोध करूंगा कि जैसे ही सरपंच का पोस्ट एक गार्जियन का पोस्ट होता है, आपको बहुत कम उम्र में हमारा समाज 2-2 बार सरपंच चुना है, इसलिए जिस तरह यह खुला मंच बुला के आपने एप्लीकेशन लिया है, उसी तरह इस गांव के एक छोटा मोटा डॉक्टर होने के नाते आपने हमको एक गार्जियन का सम्मान भी देते हैं। आज जो आवेदन आपके पास पड़ा है उस आवेदन का जवाब मुझे चाहिए कि आपने उस आवेदन का कितना सुनवाई किया। सिर्फ आवेदन ले लेना ये हमारा फर्ज नहीं है, उसका जवाब देना भी आपका फर्ज बनता है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, जो मेरे मन में आया मैं बोला हूँ, अब क्या बोला गलत और सही सो मैं नहीं जानता हूँ। इसी बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।